रीवा में प्रशासन ने मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मानित किया। आपातकाल में बंदी रहे श्रीवास्तव को प्रशासन ने उनके निवास पर जाकर सम्मान दिया। कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी के निर्देश पर प्रशासन ने वरिष्ठ समाजसेवी एवं आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की हिफाजत में मीसा कानून के तहत बंदी बनाए गए सुभाष श्रीवास्तव को उनके घर कृष्णा सदन जाकर शौल श्रीफल और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने अन्य साथी पुलिसकर्मियों के साथ लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में सुभाष श्रीवास्तव को ये सम्मान प्रदान किया। सबसे पहले जो हमारे अतिथि आए हैं अधिकारीगण, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरी बात, ये जो आज सम्मान है लोकतंत्र सेनानियों का, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर साहब की तरफ से आप सब लोग आए, तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके साथ साथ। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मानित करने के उपरांत समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरोना की इस भीषण आपदा के कारण किसी भी प्रकार का बड़ा समारोह आयोजित करना संभव नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने देश और समाज के लिए अपना जीवन हवन कर दिया, उन्हें उनके निवास पर जाकर सम्मानित किया जाए। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि मीसाबंदी सुभाष जी को सम्मानित करके हम आज स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। शासन के मनसानुरूप मैं थाना की ओर से और नायब तहसीलदार साहब कलेक्ट्रेट की ओर से उपस्थित हुए हैं मीसाबंदियों के सम्मान के लिए। पूरे ज़िले में शासन की ओर से एक मुहिम की गई है, क्योंकि COVID-19 के तहत एक साथ सब इकट्ठा करके नहीं किया सकता, इसलिए घर घर जाके सम्मान किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि टी साहब ने कहा, शासन के मनसानुरूप आज हम लोगों ने मीसाबंदियों को, जो समय लागू हुआ था 1975 में आपातकाल के समय में, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कोविड चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, तो कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया था, और इस कारण से हम लोग घर घर जाकर सभी मीसाबंदियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं, उसी के तहत आज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।